ग्यारहवीं तो है, एक है कि नहीं होगी। एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ठीक है, तो हम एल्कीन के अंदर चल रहे हैं। एल्कीन में हमने कल मार्कोनी को एंटी मार्कोनी को फिल कर लिया था, ठीक है। अब हम एडिशन ऑफ हैलोजन्स करेंगे जिसमें एल्कीन के अंदर हमें CH2Br2 ऐसी चीजें ऐड करनी है। तो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, इसमें हमने डालना है Cl2, ओके। तो क्या होगा, एक Cl इस पे ऐड हो जाएगा, एक Cl इस पे ऐड हो जाएगा, तो दोनों पे Cl ऐड हो जाएंगे और ये विसिनल डाइक्लोराइड बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl, ठीक है ना। तो ये टेस्ट, ये इसमें हैलोजन ऐड हो रहा है दोनों कार्बन पे, ठीक है। और ऐसे ही हम किसी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें हमने डाला Br2, क्या डाला Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एक्वस, इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, इसे क्या बोलते हैं, और ब्रोमीन वाटर जो होता है दैट इज ब्राउन इन कलर, कौन से कलर का होता है, और जब ये ऐड हो जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। ये क्या हो सकता है, कैसे ऐड होगा, डबल बॉन्ड कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br लगा, तो ये हमारा बना कलरलेस हो गया। ये क्या हो गया, तो ब्राउन ब्रोमीन वाटर टर्न्स कलरलेस ऑन एडिशन टू एल्कीन, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारी रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन थोड़ी सी अजीब अलग नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं है, कॉपी पे नोट करता है। ये हमारा है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन में हमने डाला NaNO2 और HCl, डालने पर यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन जुड़ जाते हैं, तो एक नाइट्रोजन इधर से निकलता है, इधर से NaNO2 से, और ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता है। देखो ये आयन होता है अजाइड, इसे बोलते हैं अजाइड, क्या बोलते हैं, N3- को बोलते हैं अजाइड, N3- है नाइट्राइड, N3-1 होता है, N3-1 इज अजाइड, और दो नाइट्रोजन अगर जुड़ जाते हैं तो इसे बोलते हैं डायाजोनियम आयन, यानी N2, इसको दूसरा देख लो, इसमें से थर्ड फोर्थ और इसमें नंबर कैसे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डायाजोनियम आयन, N2+ को बोलते हैं डायाजोनियम आयन, और इसके ऊपर ये लग जाता है डायाजोनियम आयन N3+। ये बनता तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन से है, NaNO2 और HCl मिलके पहले HNO2 बनाते हैं, NaNO2 जैसे हमने वो रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें था एक सॉल्ट प्लस एसिड, ठीक है, उसके अंदर हमारा जैसे HCl हेलो एसिड बनता था HCl HBr, वैसे यहाँ पे बनता है HNO2, ठीक है। अभी HNO2 जब इस पर अटैक करता है तो इसका नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है H2 और इधर से O निकल जाता है, तो वो रिएक्शन पूरा नहीं है कोर्स में, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में या तो डिस्प्लेसमेंट हुई होती है, ये दोनों तो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, फिर HNO2 इस पर अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से, बट वो कोर्स में नहीं, तो वो तुम्हें करना भी नहीं है। स्ट्रक्चर, ठीक है, ये
ये इंसिटू मतलब हाँ रिएक्शन मीडियम के बीच में बन गई रिएक्शन, पर ऐसे लिखना मत, जो जो रिएक्शन दे रखी होती है उन्हीं पे बता। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? थ्री। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? थ्री। जैसे नाइट्रोजन है अमोनिया के साथ तीन बॉन्ड बना लेते हैं, उसके तीन बॉन्ड बनते हैं
तो ये केस। अच्छा अब इसके अंदर हम डालते हैं Cu2Cl2 और Cu2Br2, इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये सारा कुछ हट जाता है और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर या तो क्लोरीन या ब्रोमीन रहता है, बेंजीन के ऊपर या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन रहता है और N2 बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है? N2। ये जो नाइट्रोजन है ये बाहर हो जाता है और ये सब की जगह Cl और Br लेता है। आफ्टर ऑल चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हेलोलेकिन एंड हेलोअरीन। यहाँ पे हेलोअरीन बन गया है। क्या बन गया? हेलोअरीन। ठीक है, इस रिएक्शन का ये पार्ट को हम डायज़ोटाइजेशन बोलते हैं। ये जो सारा पार्ट है इस रिएक्शन को बोलते हैं, डाइजोनियम के बनने वाली रिएक्शन को बोलते हैं डाइज़ोटाइजेशन। बोलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाइज़ोटाइजेशन। और इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये साइड इतने जब तक डाइजोनियम बनाया उस रिएक्शन को बोलते हैं डाइज़ोटाइजेशन और इसके आगे रिएक्शन जो पूरी बनती है ये क्या है? सैंडमेयर। ठीक है, क्लियर है भाई? सैंडमेयर में क्या है? Cu2Cl2 Cu2Br2 आता है और ये पूरे N2 ग्रुप को हटा के क्लोरीन ऐड करता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ये पूरा ग्रुप रिमूव होकर सिर्फ Cl या Br अटैक करता है। मैकेनिज्म कोर्स में नहीं, जो मैकेनिज्म कोर्स में है वो हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, ये नेम रिएक्शन है, यानी किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे। इससे एक सिमिलर रिएक्शन और होती है गैटरमैन रिएक्शन, उस पर भी हम आएंगे। पर ये रिएक्शन सैंडमेयर है, इसको एज इट इज नेम रिएक्शन में आएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन सैंडमेयर। अब शॉर्ट नोट कैसे लिखते हैं पेपर में? हम बोलते हैं एनिलीन रिएक्ट्स विद NaNO2 एंड HCl एट टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन। इसको अगर ऐसे याद करना मुश्किल हो रहा है तो इसको ऐसे समझ लो, ये 0 डिग्री सेल्सियस to 8 डिग्री सेल्सियस। कितना है ये? 0 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो 0 to 8 डिग्री सेल्सियस में एंड इट गिव्स बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड व्हिच ऑन फर्दर रिएक्शन विद Cu2Cl2 एंड Cu2Br2 गिव्स क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। मतलब इसको वर्ड्स में बस लिख देना, रिएक्शन मेन होती है जब शॉर्ट नोट आता है और उसके नीचे थोड़ा सा वर्ड्स में बस इसी रिएक्शन के बारे में बता देना। ठीक है, क्लियर है भाई? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सैंडमेयर है, ये डाइज़ोटाइजेशन है, वो सैंडमेयर को इंक्लूड कर, सैंडमेयर में डाइज़ोटाइजेशन इंक्लूडेड है। अच्छा ये मिटा दूं, बढ़ सकते हैं आगे? 0 to 5 होगा, 0 to 5 बाय प्रोडक्ट और भी होंगे बाय प्रोडक्ट मिलकी एंड टू भी नहीं लिखा ऐसी आती है, पर अभी देखते हैं आगे बढ़े। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज। अरे घर बाहर ही रह गया, खुला ही मैं दिखी जा रहा हूँ। आओ अंदर आओ। अब तो मैं बाहर ही करता हूँ क्लास। ठीक है, अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 मिनट से खराब करते हैं। चलो अगली बार कहाँ खड़ा होगा? कहाँ बैठेगा? मेन गेट के बाहर। ठीक है, चलो कुछ जवाब तो आ रही थे कुलदीप। नेक्स्ट एल्कीन में अगर हम HCl डालते हैं तो मार्कोनिको या एंटी मार्कोनिको, और अगर HBr परऑक्साइड एंटी मार्कोनिको। ठीक है, और HI
अकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा फिर हमने देखा एल्कीन में हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, फिर ब्रोमीन उस पर ऐड हो जाता है ठीक है। अच्छा फिर हमने देखा एनिलीन, कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, तो विच रिएक्शन विल यू यूज, एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2, उसके ऊपर हम डाइसोटाइजेशन कैसे करते हैं जस्टिन, NaNO2 प्लस HCl एट द टेंपरेचर 273 टू 278 बेंजीन पे होती है, एनिलीन का NH2 पे सेट है। अच्छा अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद तूने शायद वो अल्कोहल वाली रिएक्शन तो लिखी हुई है जसराज, वो भी लिखी हुई। अच्छा हमने अगर बात करें हमने ROH से बहुत सारे मेथड देखे, RCl बना, RBr बना, RI भी बना एक रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में, रेड फास्फोरस और I2 वाले में डायरेक्ट बना, और नहीं तो Ki प्लस H3PO4 लेना पड़ेगा ठीक है। पर RI बना तो ज्यादातर मेथड किसके हैं, क्लोरीन को बनाने के, क्लोरीन को बनाने, क्लोरीन को और ब्रोमीन को बनाने के, और आयोडीन और फ्लोरीन के मेथड बहुत कॉमन है ना, तो अब हमें कोई ऐसे मेथड चाहिए जो फ्लोरीन और आयोडीन के लिए काम करे, तो इन मेथड्स को बोलते हैं हैलोजन को एक्सचेंज कर दो, कि तुम क्लोरीन लाओ और मैं तुम्हें ब्रोमीन दे दूं, आयोडीन दे दूं, क्या दे दूं, तुम फ्लोरीन, तुम ब्रोमीन लाओ मैं तुम्हें आयोडीन दे दूं और फ्लोरीन दे दूं, तो इट्स लाइक एक्सचेंज सिस्टम, पुराना टीवी के बदले नया टीवी है ना। तो पॉइंट इज दिस, हैलोजन के ही बदले हैलोजन ही मिलेगा, फोन लौटाने पे टीवी नहीं मिलेगा एक्सचेंज में ठीक है, समझ में आई बात। तो हैलोजन का एक्सचेंज करता है, इसके दो मेथड्स हैं, एक है फिंकलस्टीन और एक है स्वार्ट्स, दो रिएक्शन है फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स, जिसके नाम में एफ आता है याद रखना, उसके काम में एफ में नहीं आता, यानी फिंकलस्टीन के नाम में एफ आ गया तो उसके काम आयोडीन का करेगा, वो किसका काम करेगा, स्वार्ट्स के नाम में एफ आया उसके काम में एफ आया, मतलब वो किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, तो इससे तुम भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब फिंकलस्टीन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ड्राई एसीटोन और NaI, मतलब क्या है, तुम लेके आओ क्लोरीन या ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन बनाने के ज्यादा मेथड है, इसके बदले क्या लेके जाओ फिंकलस्टीन में, आयोडीन, पर ये रिएक्शन में रिएजेंट होगा NaI और ड्राई एसीटोन, तो बनेगा RI प्लस NaCl और मुझे मिलेगा आयोडोमिथेन ठीक है, मैं यहाँ पे लेके गया क्लोरोइथेन तो मुझे मिलेगा आयोडोइथेन, बस एक्सचेंज हो जाएगा, क्लियर है भाई। अच्छा फिंकलस्टीन के बाद स्वार्ट्स, स्वार्ट्स में हम फिर से RCl या BR लेके आओ और क्या लेके जाओ, फ्लोराइड है ना, तो फ्लोराइड लेके जाओ, पर इसके लिए हम यूज करते हैं या तो AgF सबसे इजी रहता है, उसके अलावा जो और यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, पर हम AgF क्या, AgF डालने से ये बन जाता है RF और AgCl और Ag सिंपल सी रिएक्शन, ड्राई एसीटोन इसलिए क्योंकि वाटर के साथ वो सॉल्युबल हो जाता है NaCl या AgCl, पानी में ना घुल जाता है। अब हम क्या चाहते हैं, ड्राई एसीटोन का पर्पस क्या है ये समझो, ड्राई एसीटोन NaCl NaBr को प्रेसिपिटेट करता है, उसको सॉलिडिफाई कर देता है, क्या कर देता है, सॉलिडिफाई करके वो वापस घुलता नहीं है, पानी होगा तो घुल जाएगा, एसीटोन में वो घुलता नहीं है, नॉन पोलर है NaCl आयनिक है, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। पॉइंट इज दिस, इससे होगा क्या, तुमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था, लेट चार्टे पढ़े प्रिंसिपल, ये क्या था, लीच चार्टे लेयर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम में था, इसमें बोला था कि अगर तुम कुछ भी सिस्टम को चाटा मारो तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है, जैसे मैं तुम्हें थप्पड़ मार के भेजू तो तुम क्रीम लगा के जाओगे, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी हम चीज सिस्टम में कर रहे हैं उसको उल्टा करना है, तुम्हें चोट लगी है तो तुम चोट के ऊपर मलहम लगाओ है ना। सिमिलरली अगर ड्राई एसीटोन जो है वो NaCl को लेके निकल जाता है, क्या करता है, NaCl को लेके निकल जाता है, आता है ले जाता है,
अब सिस्टम क्या चाहेगा कि रिएक्शन NaCl और बने, क्योंकि तुमने NaCl निकाल लिया, वो क्या चाहेगा कि NaCl और बने। वो NaCl बनने के लिए वो हमारा काम कर देगा, वो आयोडाइड बनाता है। रिएक्शन किधर जाती रहेगी? मतलब मैं कह रहा हूँ ड्राई क्वेश्चन आएगा, वाइस ड्राई एसीटोन लिख लो, कॉपी में लिख लो या तुम्हारे पास नोट्स हो तो वहीं लिख लो, स्पेस यहाँ पे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी में लिख लो। वाइस ड्राई एसीटोन यूज्ड इन, वैसे तो इसका आंसर यही लिखा है, यही आंसर है, इसके ऊपर लिख सकते हो हाइड्रोजन एक्सचेंज के ऊपर। वाइस ड्राई एसीटोन यूज्ड इन, वाइस ड्राई एसीटोन यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। तुम बोलोगे इसके अंदर इस रिएक्शन में NaCl NaBr बनता है और NaCl NaBr इज प्रेसिपिटेटेड बाय ट्राइएसिटोन, यानी NaCl NaBr को लेके कौन निकलता है? ट्राइएसिटोन। तो ये रिएक्शन थी रिवर्सिबल, कैसी थी? पर ट्राइएसिटोन डालने से, NaCl NaBr निकालने से ये रिएक्शन इधर ही जाती रहती है, क्योंकि वो NaCl NaBr को बनाने में लगी रहती है और ट्राइएसिटोन उसे निकालने में लगा रहता है। इसमें इन दोनों की इस ट्यूनिंग में हमारा फायदा हो जाता है, क्योंकि जब NaCl बनाने में वो लगता है तो उसके साथ साथ क्या बनाता है? आयोडाइड। तो आयोडाइड हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए था। समझ में आ गई बात कि क्या करता है ट्राइएसिटोन? क्लियर है पॉइंट? दोबारा बताओ, मतलब हमने ट्राइएसिटोन इसलिए डाला कि वो NaCl NaBr को रिप्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है? प्रेसिपिटेट माने उसको लिक्विड सोल्यूशन में से सॉलिडिफाई करते हैं, किसी चीज को सोल्यूशन में से निकाल के सॉलिड कर देना, वो प्रेसिपिटेट बन गया। तो NaCl NaBr का प्रेसिपिटेट बन गया। जब NaCl NaBr का प्रेसिपिटेट बना तो सोल्यूशन में वो कम हो गया, सोल्यूशन में बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन और आगे जाती है, ऐसे करती रहेगी। तो आई आर आई बनता रहेगा, आर आई को हमारा फायदा है क्योंकि हमारा आर आई सोल्यूशन में रहेगा और NaCl NaBr प्रेसिपिटेट होता रहेगा, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा स्वॉर्ट्स में और क्या यूज कर सकते हैं? हम ये भी पूछ सकता हूँ, Hg2F COF2 और SbF2, ये मर्क्यूरी हो गया, ये कोबाल्ट हो गया और ये एंटीमनी, ठीक है? बड़े आगे बता दूं। तो अब हम मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, ठीक? या मैकेनिज्म या बोले हम, या हम प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन खत्म हो गई है, प्रिपरेशन खत्म हो गई। स्टार्ट किया था फ्रॉम एल्कोहल्स, कितनी रिएक्शन थी? छह रिएक्शन थी। प्रेफर्ड कौन सी थी? SOCl2, why? Because it produces inescapable gases. सेकेंड रिएक्शन जो हमने करी थी वो थी, नहीं नहीं ये तो छह के बाद, कौन सी करी थी? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। थर्ड एल्कीन से एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ हैलोजन। फिर आज हमने कौन सी करी यशराज? पहली सैंड में कौन सी करी, और सेकेंड हमने करी हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में दो हैं, फिंकलस्टीन और फिंकलस्टीन किसको बनाने के लिए? आयोडीन या फ्लोरीन और स्वॉर्ट्स, याद रहेगा? ठीक है, वाइस ड्राई एसीटोन यूज बता सकते हो, है ना? अच्छा अब हम आगे की बात करते हैं, या उससे पहले काम कराओ, पहले लिखो राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो मुझे लिख के दिखाओ कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास रिएक्शन है ना, उसको वर्ड्स में लिखना होता है शॉर्ट नोट में। एक बार रिएक्शन लिखनी है, उसका एक एग्जांपल बनाना है और फिर शॉर्ट नोट लिखो। राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट सैंड में बंच, तुम्हें भी लिख के भेजना है मुझे। फर्स्ट सैंड में, सेकेंड स्वॉर्ट्स, थर्ड फिंकलस्टीन, और नोट्स और गेम कम लेके अपने ही दिमाग से लिख दिए। स्वॉर्ट्स, फिंकलस्टीन, और कौन सी नेम रिएक्शन आई है? सैंडमेयर, स्वॉर्ट्स, फिंकलस्टीन, तीन नेम रिएक्शन आई है और इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है पेपर में, तो इसीलिए लिखवा रहा हूं, तो तुम इसका आंसर लिख के लिखवाओ। अच्छा तुमने जनरल रिएक्शन दे रखी है, मैंने क्या दे रखा है कि जैसे AgF R की फॉर्म में दे रखे RCl RBr, तो मैं जनरल लिखना, उसका एक एग्जांपल देना, जैसे क्लोरोएथेन ले लिया, ठीक है? सब पहले रिएक्शन, पहले जनरल रिएक्शन, फिर एक उसका एग्जांपल और फिर उसके बारे में टेक्स्ट थोड़ा, ये लिख के देखो। थ्री मार्क का क्वेश्चन है, टोटल है एट,
टोटल 3 मार्क्स। तूने कौन सी में लिखी थी? सैंडविच नहीं थी कभी? सैंडविच बिताई हुई थी। सैंडविच, राइट। तेरे निकल सी हो बटे तो सुबह। मिशन शुरू करो। जब बैकअप तो नहीं रहा। तो मार्च स्टार्ट है। सॉलिड स्टेट से मेरा एक चैप्टर हो गया मेरा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन चल रहा है सॉल्यूशन चल रहा है इसके हम सॉल्यूशन करेंगे ठीक है कंप्लीट करते हैं। कल हमारी क्लास है सुबह 11 बजे तो है 11 से 12 12 से भी ले लूं क्योंकि छुट्टी नहीं है ठीक है 11 से 12 ही लो ठीक है। और कल किसकी छुट्टी नहीं है करके जैसा फोटो बन
करके जैसे संडे को कर लो फिर सारे कल 11 से 12 तो है ठीक है। और तो जेई वाले जिसको नीट की आ रही है वो 11 से 12 कर रहे हैं। मैंने 2 शेयर भी कर दी, 1 शेयर सिर्फ जेई की है, कोर्स की नहीं है। तो अगर तुम्हें जेई का करना है तो कल 11 से 12 ठीक है उसमें मेरा बात चाहिए। अगर मैं तुम्हारा इससे पहले